मोटर स्पार्क में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार के बारे में जिस कार की कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी है। वेल, हम बात कर रहे हैं सेवरले के बारे में। कुछ लोग इसको सेवरले बोलते हैं, कुछ लोग इसको सेवलॉट बोलते हैं, कुछ लोग इसको चेवलॉट बोलते हैं। वाट एवर, अगर आप सेवरले बोलते हैं तो हम इसको सेवरले या फिर सेवलॉट इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, या फिर कई जगह इसको चेवी के नाम से भी बोलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं बीट के बारे में, सेवलॉट की बीट। एंड बीट जो कि इंडियन मार्केट में एक सेवलॉट की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कार थी। हम आपको बता दें कि 2017 या फिर 18 में सेवलॉट ने इंडियन मार्केट को छोड़ दिया था। एंड उस टाइम सेवलॉट की जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग कार थी ये था सेवरले स्पार्क एंड सेवरले बीट। एंड इसकी एक प्रीमियम सेडान कार आती थी जिसको लोग डीजल रॉकेट भी बोलते थे, ये थी सेवरले क्रूज। एंड क्रूज काफ़ी सक्सेसफुल कार थी एंड ये अपनी लुक, डिजाइन, इंटीरियर एंड जो स्पीड थी इसमें, जो स्मूथनेस थी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। वहीं सेवरले की एक इंजॉय करके कार आती थी जो कि एक एमपीवी थी, ये भी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल थी। ओवरऑल जो सेवरले के कार आते थे इंडियन मार्केट में यही कुछ थे। एक शायद इसका एसयूवी भी आता था एंड एक सेवरले का एसयूवी भी आती थी इंडियन मार्केट में, नाम नहीं याद आ रहा। बट जो आज का वीडियो है ये है सेवरले बीट के बारे में, क्योंकि सेवरले बीट जो है ये इंडियन मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में काफ़ी सस्ते दाम में अवेलेबल रहती है। बट इसको लोग लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहते हैं क्योंकि ये कंपनी इंडिया छोड़ के जा चुकी है एंड इसको इंडिया छोड़े ऑलमोस्ट 5 साल होने वाला है। तो लोगों के मन में एक डाउट रहते हैं कि भाई इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंडियन मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, और दूसरी बात है कि कहीं काफ़ी कॉस्टली ना मिले इसके स्पेयर पार्ट। एंड कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो कार कंपनी जैसे छोड़ के जा चुकी है उसके 2-4-5 महीने बाद उसमें शॉर्ट आना शुरू हो जाता है। कुछ छोटे मोटे पार्ट होते हैं जैसे एक्सटीरियर के पार्ट हो गए, भाई एक्सटीरियर पार्ट नहीं मिलते जल्दी। इंजन के पार्ट वगैरह मिल जाते हैं क्योंकि जब भी कोई कार कंपनी किसी देश को छोड़ती है, किसी कंट्री को छोड़ती है, तो उसके 5-6-7 या फिर 9-10 साल तक हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह इंजन वगैरह के मिल जाते हैं। बट जो एक्सटीरियर पार्ट होते हैं लाइक हेडलाइट्स वगैरह, साइड के अपने साइड व्यू मिरर वगैरह, ये थोड़े बहुत कॉस्टली हो जाते हैं एंड इनका मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रीज़न ये है कि ये पार्टें काफ़ी कम टूटती हैं, काफ़ी कम इनका यूज होता है एंड ये इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो, अगर 5 साल सेवलॉट को छोड़े हो गया है एंड आपको कोई सेकेंड हैंड मार्केट में सेवले की बीट मिल रही है जो कि 2015-16 का वेरिएंट है, डीजल या फिर पेट्रोल वेरिएंट है, काफ़ी अच्छे दाम में मिल रहा है क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट में इन कारों का डिमांड बिल्कुल रहा ही नहीं है, या आपको इजीली 90,000-1,00,000 के आसपास मिल जाएगी काफ़ी वेल मेंटेन कंडीशन में, बट फिर भी लोग इसको लेने से डरते हैं। तो अगर आपको भी कोई एक ऐसा कार मिल रहा है सेकेंड हैंड मार्केट में या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार की कार है तो भाई आप इसको परचेज कर सकते हैं 2022 में। बट लेने से पहले कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में डाल लें। अगर आप काफ़ी छोटे सिटी से हैं जहाँ पर इस सेवरले की कारें हार्डली देखने को मिलती है, फिर आप इस कार को ना लें, क्योंकि जब सेवरले की कारें उस पार्टिकुलर सिटी में देखने को नहीं मिल रही है तो मतलब इन कारों के पार्ट्स रखने वाले शॉप भी वहाँ पर बहुत कम ही होंगे। अगर आप किसी बड़े सिटी से हैं लाइक लखनऊ हो गया या फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, काफ़ी मतलब मेट्रोपॉलिक सिटी से हैं जहाँ पर हर एक कारों के शोरूम वगैरह थे एंड हर एक कारों का ठीक ठाक वहाँ पर सेलिंग हुआ था, तो वहाँ पर आपको इनके स्पेयर पार्ट वगैरह नए या फिर सेकेंड हैंड ईजिली मिल जाते हैं। आजकल तो हर एक कारों का स्पेयर पार्ट ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट वही है कि कभी कभी ऑनलाइन भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं। ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूजन की बात करते हैं कि अगर आपको काफ़ी सस्ते दाम में सेवलॉट बीट या फिर सेवले स्पार्क मिल जा रहा है 1,00,000 से कम के बजट में, 2015 या 2016 का मॉडल, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। वैसे तो ये कारें काफ़ी अच्छी हैं, जल्दी मेंटेनेंस या कोई मोटा खर्चा नहीं मांगती, बट इनकेस अगर आपका कोई मोटा खर्चा होता भी है
तो आप इजीली इसको अभी के टाइम में मेंटेन करवा सकते हैं, एंड आने वाले 1 से 2 साल तक इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल रहेंगे इंडियन मार्केट में। कंक्लूजन यही बनता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बता देना, एंड अगर आपको कोई और कार से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ये भी बता देना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।